बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है ये डिश। तो देखते हैं कबाब बनाने की विधि। देखिए दोस्तों, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, उसके ऊपर एक पैन रखा है जो कि थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा। इसको थोड़ा चटकने देंगे। देखिए जीरा भुन गया है। अब मैं डालूंगी इसमें गोभी। मैंने गोभी को अच्छे से चॉप, बारीक बारीक चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। गोभी, गाजर, इसको भी मैंने बारीक अच्छे से क्रश कर लिया है। मैंने इसे चॉपर से बारीक बारीक चॉप किया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। मटर, मैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने यहाँ इसमें 2 छोटे अनियन को और 1 शिमला मिर्च, थोड़े से फ्रोजन मटर, 1 गाजर और कुछ टुकड़े गोभी के बारीक चॉप किए हैं। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भुनेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारी सब्जी अच्छे से पक जाएंगी। लगता है हमारी वेजीज पककर रेडी हो गई है। अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ। यस, हमारी वेजिटेबल अच्छे से पक गई है। देखिए कितने कम ऑयल में वेजिटेबल पककर रेडी हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ। दोस्तों, अगर आप किड्स के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ऐड ना करें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को तीखा पसंद नहीं होता है ज्यादा। अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। एक बाउल में निकाल लेते हैं और उसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। जब तक हमारा वेजीज ठंडी हो रही है, तब तक हम इसके लिए सलरी बना लेते हैं। मैं यहाँ लेती हूँ 2 चम्मच के करीब मैदा। और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे में और पानी की सहायता से हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसका थोड़ा थिक ही रखेंगे, ज्यादा पतला नहीं रखना है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी सलरी बनकर एकदम रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमें इसको केवल इतना गाढ़ा रखना है, हमें ज्यादा पतला नहीं करना है इसको। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ आलू लिया है। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है और ठंडा भी कर लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च, मैंने 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च लिया है। गरम मसाला, ये भी 1/2 चम्मच के करीब है। चाट मसाला, ये 1 छोटी टेबल स्पून है। और 1 चम्मच के लगभग चिकन मसाला लिया है मैंने यहाँ, कैच का। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें अपनी वेजीज डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोनों मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, ये 1 बड़ा चम्मच मैदा है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी हरी धनिया पत्ती, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही डालेंगे मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब, ये ताजी ब्रेड के क्रम्स है। इसको मैंने ब्रेड को अच्छे से मिक्सी में अच्छे से बाइंड मिक्स कर ली, पीस लिया था, अच्छे से बारीक पीस लिया था। बार बार उसको बंद करके ऑन करके, बंद करके ऑन करके चलाया तो ये अच्छे से पीस जाते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको हाथ की सहायता से मिक्स करूंगी, जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्रेड क्रम डालने का रीजन ये है कि ये अंदर से बहुत क्रिस्पी होंगी और क्रंची भी होंगी। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए टिक्की बनकर रेडी हो गई है। ऐसे हम सारी टिक्कियां बनाकर अपनी प्लेट में रख लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों टिक्की बनकर रेडी हो गई है। अब हम टिक्की को लेंगे, इसे स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम में डिप करेंगे इस तरीके से। और साइड में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है, उसके उसमें साथ के साथ इसको फ्राई करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम दूसरी टिक्की भी रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां अपनी फ्राई करेंगे। देखिए टिक्कियां अच्छे से फ्राई हो रही हैं। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए टिक्की को मैं धीरे से फॉर्क की हेल्प से इस तरीके से पलट देती हूँ। देखिए हल्का सा आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है पीछे से। वेरी गुड। देखिए दोस्तों मैंने सारी टिक्कियां पलट ली हैं। देखिए दोस्तों हमारी टिक्की एकदम बनकर रेडी हो गए। हमारे कबाब डिलीशियस लजीज, मेरे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अब हम इनको प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे बैच कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी हैं। दूसरी बात, आपको अगर मेरी डिश पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए